केजीएफ और कांतारा जैसी फिल्में बनाने वाली ओम्बले फिल्म्स क्या शाहरुख खान के साथ भी फिल्म कर रही है? क्या शाहरुख खान अपना नया प्रोजेक्ट ओम्बले फिल्म के साथ करेंगे? तो हाँ, शाहरुख खान अपनी नई फिल्म ओम्बले फिल्म के साथ साइन कर चुके हैं। इसमें कौन कौन एक्टर होने वाले, डायरेक्टर इसमें कौन होने वाला, कब तक इस फिल्म का अनाउंसमेंट किया जाएगा, आइए सब कुछ ही जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही फिल्मों के अपडेट लाते रहते हैं। न्यूज के अकॉर्डिंग शाहरुख खान ने एक नई फिल्म साइन कर दी है, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा बल्कि आप लोग खुद ट्विटर पर, गूगल पर, यूट्यूब पर सब जगह ही देख सकते हो। खैर ये फिल्म अभी एसआर ने खाली साइन की, बाकी इसका अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया गया, लेकिन कुछ बातें हैं जो सोशल मीडिया पर अभिग्रह में चल रही है, मैं आपको बता देता हूं। इस फिल्म में तीन बड़े एक्टर नजर आने वाले हैं, जिसमें बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, कनाडा एक्टर ऋषभ शेट्टी और ऋषभ शेट्टी के भाई रक्षित शेट्टी, ये तीनों इस फिल्म में नजर आने वाले। ऋषभ शेट्टी और रक्षित शेट्टी के बारे में बताया जा रहा है इन दोनों का फिल्म में पूरा रोल नहीं होने वाला, दोनों इस फिल्म में खाली एक छोटा सा कैमियो करेंगे। लेकिन इस फिल्म के बारे में आपको एक बुरी खबर बता दूं, इसका डायरेक्शन करने वाले बॉलीवुड के डायरेक्टर रोहित शेट्टी। अब यार फिल्म में सभी चीजें परफेक्ट है, डायरेक्टर यार इतना परफेक्ट नहीं है। अब यार मैं ऐसे नहीं बोला कि रोहित सर का डायरेक्शन अच्छा नहीं, डायरेक्शन उनका भी अच्छा है, बॉलीवुड में उन्होंने भी बड़ी बड़ी फिल्में दी है, बट यार एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म का डायरेक्शन उनको नहीं जमेगा। अब यार ओम्बले फिल्म के साथ ये लोग फिल्म बना रहे हैं तो डायरेक्शन भी ऋषभ शेट्टी, प्रशांत नील जैसे बड़े एक्टर को करना चाहिए था, क्योंकि यार उनका डायरेक्शन एक अलग लेवल का है। ऋषभ शेट्टी ने कांतारा बनाई, कितनी शानदार थी, प्रशांत नील ने केजीएफ बनाई और सालार बना रहे, तो केजीएफ कितनी शानदार थी, उसका डायरेक्शन कितना शानदार था, और सालार के भी कोई बोलने की जरूरत नहीं है, वो भी बहुत शानदार होने वाली है। लेकिन इस फिल्म में रोहित शेट्टी डायरेक्शन करेंगे, ये बहुत ही गलत बात है। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, इस फिल्म के लिए रोहित शेट्टी परफेक्ट है या फिर नहीं? नहीं।